थाना बर्रा के अंतर्गत एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां आज डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार के पास एक महिला ने गुहार लगाई है और अपने ससुर पर शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि थाना बर्रा में कई बार शिकायत करने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़िता ने डीसीपी साउथ के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसके पति के दूसरे औरत के साथ नाजायज संबंध है, जिसके चलते आए दिन उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, जिसमें उसके ससुराल वाले भी पति का साथ देते हैं। पीड़िता की शादी को 19 साल हो गए हैं और कई बार इस अवैध संबंधों को लेकर उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अब जब उसके ऊपर उसके ससुर द्वारा शारीरिक प्रताड़ना का प्रयास किया गया तो पीड़िता ने न्याय की तलाश में डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार के पास गुहार लगाई है। वहीं डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने महिला संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने को जांच करने के और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। क्या मामला है आपका? आप कहाँ आई हैं? आप किससे मिली हैं? क्या मामला है? क्या बात है? सर, हम डीपीसी ऑफिस आए हैं। मेरे पति मेरे ससुर मुझे बहुत परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। बाथरूम में नहा रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, नहा रही हूँ। तो जब मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आई, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया। हम चिल्लाए तो उन्होंने मेरा मुँह दबा के कहा कि तुम मेरा लड़का दूसरी लड़की को रखे, मैं तुमको अपने साथ रखूँगा, खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ रहने लगो। मैं भगी वहाँ से, जैसे तैसे छुड़ा के अपनी सास को बताया जाके, वो उल्टा मेरे ऊपर गाली गलौज करने लगी। हमने अपने हस्बैंड से बताया, वो आए ऑटो चला के और मारपीट करने लगे। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? चल 19 साल हो गए हैं। 19 साल में पहली बार हो, किससे पहले कर चुके? नहीं, पहले भी कर चुके हैं। आप संबंधित थाने में शिकायत करी? जी, गए हैं 3-4 बार थाने गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ दबाव बनाया जा रहा है सुलह होने का। तो डीपीसी ऑफिस आए हैं। सर ने आश्वासन दिया है कि सब जांच करवाएंगे। क्या चाहती आप? सर, इसकी कार्रवाई हो। मुझे आज दिनांक 6/7/2024 को जनता दर्शन के दौरान एक वादिनी के द्वारा मेरे समक्ष एक लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा अपने ससुर और अपने पति और जो सास हैं और अन्य लोग हैं, उनके ऊपर जो सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। प्रार्थना पत्र में जो वर्णित तथ्य हैं, उनकी जो है जांच मेरे द्वारा SHO को दिया गया है। SHO को हमने बताया है कि उसमें जांच करके आख्या दें, जो भी चीज़ें उसमें होंगी उसके आधार पर उसमें हम अमरिंद विधि करवाई सोच।